सकें। शुक्र अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बाकायदगी से अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर पढ़ लिया था, ऑफर की डेफिनेशन सीख ली थी और एक ऑफर को बनने के लिए क्या जरूरी है, मीन्स एक ऑफर किन किन पॉइंट को पूरा करके बनती है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, ये हमने लास्ट सीख लिया था, उसको समझना जरूरी है रेवोकेशन को समझने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑफर, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर, लैप्स ऑफ एन ऑफर, एक ही बात। मतलब क्या, एक ऑफर कब खत्म हो जाए, When a offer is revoked, कब तक एक ऑफर रहेगी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, कब वो ऑफर उसके लिए लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आज हम इसके पॉइंट्स जो है वो सीखने वाले हैं, बहुत अहम ये भी टॉपिक है। तो इसके वो पॉइंट्स जिस जब जब ऑफर जो है वो रिवोक्ड हो जाएगी उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन। नोटिस ऑफ रेवोकेशन क्या है? अच्छा, डेफिनेशन के लिए बेटा आपको बता दूं कि ये व्हाट इज एन ऑफर, ये मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर का आप लेक्चर लें और उसमें मैंने फर्स्ट जो ऑफर की डेफिनेशन लिखी है वही आप लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रेवोकेशन पूछे या एसेंशियल पूछे तो वो क्या करता है, डेफिनेशन आप पूछता है, तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर से लेना। तो यहां पर हम रेवोकेशन के पॉइंट देख रहे हैं। फर्स्ट है जी नोटिस ऑफ रेवोकेशन, बेटा डेफिनेशन नोट कर लें, जैसे हमेशा की तरह से आप करते हैं, आप रजिस्टर और पेन साथ लेके बैठेंगे, डेफिनेशन पहले नोट करेंगे। नोटिस ऑफ रेवोकेशन, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को आप नोटिस सेंड करके किसी वापस ले सकते हो ऑफर। इट मींस दैट ऑफरर मे रिवोक द ऑफर एट एनी टाइम बिफोर द ऑफरी हैज कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस। द ऑफरर कैन रिजेक्ट द ऑफर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इवन दो द पीरियड फॉर व्हिच द ऑफर वाज केप्ट ओपन हैज नॉट येट एक्सपायर्ड। अभी टाइम पीरियड खत्म भी नहीं हुआ, ऑफर अपनी ऑफर नोटिस दे के किसी भी टाइम वापस ले लेगा। इसको एग्जांपल से समझें, ए ने अपना हाउस, ए इज अ ऑप्शनर, वो अपना हाउस सेल कर रहा है थ्रू ऑप्शन। बी को कहता है कि आप मेरा हाउस जो है वो उसकी बोली लगवाना शुरू करें, तो बी बच्चों यहां पर ए के बिहाफ पर, ए का हाउस है, ए के बिहाफ पर इसका जो है वो सर्वेंट बी जो है ये ऑक्शन के लिए बैठ जाता है। अब डिफरेंट बिड्स लगना शुरू हो जाती है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, अभी बिड्स लग रही होती है, 2 घंटे टाइम है, अभी पार्टीज बैठी हैं, अभी ऑफर्स लग रहे हैं। ए ने बी को नोटिस भेजा कि भाई ऑप्शन स्टॉप कर दें, हम हाउस सेल नहीं कर रहे। तो इस सूरत में ए ने क्या किया, नोटिस दे के टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ था, उसने अपने ऑफर को क्या कर लिया, वापस ले लिया, ठीक है ना जी। कोई भी उसमें आगे क्वेश्चन किया था कि आगे से पार्टीज जो है वो आगे से क्वेश्चन था, ठीक है जी, हमने जो जितने तक का बेचना है उतने तक की अभी तक बिड नहीं रिसीव हुई, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बिड नहीं आ रही, लिहाजा हम अपनी ऑफर वापस लेते हैं, हम ये हाउस नहीं सेल करना चाहते। ये है जी नोटिस ऑफ रेवोकेशन, मींस किसी भी टाइम नोटिस देकर आप अपनी ऑफर वापस ले सकते हो, रिवोक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम की बेटा पहले डेफिनेशन नोट करो, लैप्स ऑफ टाइम क्या है, व्हेन ऑफर इज
particular day, it terminates if it is not accepted by that time. If the offer does not specify time, it terminates after lapse of reasonable time. Underline करें. Reasonable time जो खत्म होगा फिर उसके बाद offer lapse हो जाएगा. दो बातें उसने की. Lapse of time. If time is specified. टाइम खत्म ऑफर खत्म टाइम एक्सपायर ऑफर टर्मिनेट इफ Time is not specified, then offer will be revoked after reasonable time. अब तवज्जो करें थोड़ा सा एग्जांपल देखिए कि अगर तो बता दिया भाई ये शाम 5 बजे तक ऑफर है, 5 बजे तक जो आ जाएगा वो उसको अवेल कर लेगा, 5 बजे के बाद आपके लिए ये ऑफर है, आप आज शाम 5 बजे तक आ जाओ, 5 बजे के बाद अगर वो आता है तो उसके लिए ऑफर खत्म हो जाती है या डेट मेंशन कर दीजिए 5 दिसंबर 2020 तक आपके लिए ये ऑफर है, 5 दिसंबर 2020 के बाद अगर वो आता है तो उसके लिए ऑफर खत्म हो जाती है. ये तो गया टाइम स्पेसिफाई हो गया. अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं होगा तो फिर रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर खत्म हो जाएगी. अब रीजनेबल टाइम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के different circumstances में dear students को different होता है. जैसे मैं एक example आपको देता हूँ कि A is a milkman, ये एक गवाला है जो कि दूध का पेन बेचना चाहता है. तो B आता है, इसकी offer को accept कर लेता है, B कहता है ठीक है जी मैं आपकी offer को accept करता हूँ, मैं ये आपसे खरीदता हूं कि लेकिन मैं बस पैसे लेके आ रहा हूं, आप रखो इस केन को, मैं आके आपसे कलेक्ट कर लेता हूं. अब जी 2 घंटे गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 गुजर गए, उसके बाद भी बी नहीं आया तो ए ने उसको कुछ कम ही अमाउंट में सेना बी अगले दिन आके कहता है फिर भाई वो मिल का केन दो ये मैं पैसे दे रहा हूं. तो ये कहता है भाई मैंने तो वो बेच दिया, खराब हो जाता पागल थोड़ी रख के बैठूंगा, तो तुझे तो आ जाना चाहिए था 2-3 घंटे में, तो रीजनेबल टाइम तो उसका खत्म हो गया. तो अगर गुड्स कुछ इस नेचर की हो जो कि खराब हो जाती है तो उसका रीजनेबल टाइम जो है वो निस्बतन कम होता है. अगर यही एक हाउस के लिए ऑफर होती उसका reasonable time different होगा, different circumstances में reasonable time different होगा. अब कैसे तय होगा ये future में अगर dispute आती है तो court में ये decide हो जाता है कि क्या इसका ये reasonable time बनता है या नहीं बनता. आप लोगों को ये lapse of time बेटा समझ आ गई, इसको note कर लीजिएगा. Next definition देखते हैं कि failure to fulfillment of condition, failure to fulfill condition. Definition note करें, failure to fulfill condition क्या है? An offer is revoked if the offeree failed to fulfill the condition given in it. If an offer contains some condition and offeree has taken responsibility to fulfill such condition, and if offeree failed to fulfill such condition, the offer is terminated. अगर offer में कोई condition रख देता है तो offeree को उस offer को condition के साथ accept करना पड़ता है. हमने essential of valid offer में पढ़ा कि condition के साथ offer हो सकती है, ऑफर के साथ ऑफर कंडीशन के साथ हो सकती है, नेगेटिव कंडीशन के साथ नहीं होती. ये हमने पढ़ा है अगर ऑफर कंडीशन लगाता है तो ऑफर उसकी उस ऑफर को कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करेगा.
तो ही वो ऑफर एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए ने बी को कहा कि इफ यू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज देन आई विल गिव यू बाइक, होंडा 70 बाइक न्यू मैं आपको दूंगा अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब ए की कंडीशन क्या है, बी के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। अब बी के लिए ये ऑफर तब ही रहेगी बाकी अगर बी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। इफ बी फेल टू टेक द एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज देन ऑफर विल टर्मिनेट फॉर बी। बी के लिए ये ऑफर कब तक बाकी रहेगी, जब तक के वो उसमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना ले जो स्पेसिफिक ए ने मेंशन किया होगा। तो ये है फेलियर टू फुलफिलमेंट कंडीशन। दूसरी एग्जांपल बच्चों इसमें आप वो भी फिट कर सकते हो जो मैंने आपको विडो वाली दी थी। एक विडो वुमेन है, वो अपनी हाउस को रेंट पर देना चाहती है किसको, फैमिली को। वो कंडीशन हमने एसेंशियल में सीखी, वो कहती है कि मैं अपना हाउस जो है वो रेंट पर उसको दूंगी जो कि फैमिली के साथ आके रहेगा और मैं छोटी फैमिली को अपना ये हाउस किराए पर दूंगी। अब उसकी ये कंडीशन क्या, दो कंडीशन उसने लगा दी उसने, एक तो फैमिली को देंगी और फैमिली भी छोटी फैमिली होनी चाहिए 10-12 मेंबर वाली ना हो, तो स्मॉल फैमिली को दूंगी अपना हाउस। अब उस कंडीशन के साथ अगर कोई बी मींस फैमिली आती है तो वो ऑफर उसके लिए है। अगर उस कंडीशन को फुलफिल करके कोई हाउस में रहने नहीं आता तो जैसे ही वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो वो ऑफर उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लेस। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ आर इंसैनिटी ऑफ ऑफर। डेथ आर इंसैनिटी ऑफ ऑफर इसका मतलब क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको आगे समझते हैं। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय डेथ आर इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल इफ फैक्ट ऑफ हिज डेथ आर इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। If offering does not know that offer has died or become incensed and give his acceptance, it is valid acceptance. It will result in valid contract and legal representative of deceased offer shall bound by the contract. Death or insanity. आप देखें इसमें दो condition. If offering knows, if offering not knows. अब देखिए ऑफर ने ऑफर दी, ऑफरिंग ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ली या एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दोनों के दरमियान। अगर ऑफरी जानता है कि ए की डेथ हो गई फिर तो उसके लिए ऑफर फौरी लैप्स हो गई। अगर ए नहीं जानता, सॉरी अगर बी जानता है कि ए की डेथ हो गई है तो फिर तो ए के लिए वो ऑफर फौरी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। जैसे उसने उसे पता चला कि भाई ए ने उसको ऑफर दी है और ए तो मर गया है तो लिहाजा अब मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस से पहले ए की डेथ के बारे में बी अगर जानता है उसके लिए वो ऑफर फौरी लैप्स हो जाएगी। अगर एक्सेप्टेंस के टाइम बी ये नहीं जानता कि ए की डेथ हो गई है तो ए के लीगल हायर्स, लीगल
उसके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा जो कोर्ट की तरफ से डिसाइड होगा कि ये इसका बेटा और इसकी इस सारी जायदाद का या इस सारी बिजनेस का मालिक है, तो उसका बेटा उसके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का राइट होता है या वो रिस्पॉन्सिबल है उसको पूरा करने। अब ये आप लोगों को समझ आ गया कि देखिए सिंपल सी बात है, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई गुड्स सेल आउट करनी थी, बिजनेस है ए का, बी जाता है तो फिर तो उसके लिए मोस्ट थोड़ी खत्म हो गई। अगर बी नहीं जाता, भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन मुझे नहीं पता कि एक डेथ हो गई है, लिहाजा बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो जो भी है मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर, तो करना पड़ेगा लीगल हायर। अगर गुड्स या कोई हाउस या कुछ ऐसी मटीरियल चीज हो, अगर मान लो ए डॉक्टर है बी पेशेंट, अब ए और बी के दरमियान ए अपना फॉर्म फिल कर चुका है, बी फॉर्म अपना फिल कर चुका है, तो बी को पता है या नहीं है कि ए डॉक्टर जिसने उसका ऑपरेशन करना है उसकी डेथ हो चुकी है, तो बी के लिए फौरी वो ऑफर लैप्स हो जाएगी